दिल्ली से भेजे गए नेताओं का एक तरीके से कहा जाए तो नई जिम्मेदारी के साथ नया आगाज हो गया। वो केंद्रीय मंत्री जिन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया गया, उनको जिम्मेदारी भी दे दी गई। कयास लग रहे थे कि उनका क्या होगा, तो अधिकांश लोगों को मिल गई जिम्मेदारी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों या प्रहलाद पटेल या अन्य। अब उनमें से एक चेहरा, जब मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ था, डिप्टी सीएम के नाम फाइनल नहीं हुए थे, तो डिप्टी सीएम के तौर पर कहा जा रहा था रीति पाठक। आखिरकार क्या हुआ रीति पाठक का कि दिल्ली से भेजे गए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई, रीति पाठक खाली रह गई। रीति पाठक को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? अगर सभी नेताओं को आलाकमान ने सोचा था कि मध्य प्रदेश में उनकी उपयोगिता है, तो रीति पाठक को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? अपने आप में सवाल उठेगा। वो रीति पाठक जिनका मैंने कहा कि महिला चेहरे के तौर पर नाम भी चला था कि मध्य प्रदेश में वो डिप्टी सीएम बन सकती हैं, लेकिन रीति पाठक डिप्टी सीएम भी नहीं बनी। उसके बाद कहा जा रहा था कि कैबिनेट में अगर महिला चेहरों को स्थान मिलेगा तो रीति पाठक उनमें सबसे प्रबल दावेदार है। ऐसा नहीं हुआ। तमाम लोगों को, जैसे मैंने बताया, जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, रीति पाठक नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? प्रमुखता जो उसकी वजह समझ में आई है, एक तो विंध्य क्षेत्र से उनका होना, विंध्य क्षेत्र से होना, ब्राह्मण होना। ब्राह्मण चेहरे के नाम पर राजेंद्र शुक्ला जो हैं उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री जैसा पद दे दिया गया विंध्य क्षेत्र से। तो पहला एक कारण ये बना कि रीति पाठक को नहीं लिया गया मंत्रिमंडल में। दूसरे, महिला चेहरे इतने ले लिए गए कि अब उसमें से रीति पाठक का स्थान कहाँ बचता? और जिस क्षेत्र से रीति पाठक आती हैं उस क्षेत्र से ही संबंध रखने वाली राधा सिंह को कैबिनेट में जगह मिल गई। राधा सिंह को जगह क्यों मिली और रीति पाठक को क्यों नहीं मिली? उसके दो कारण, जैसे मैंने बताया, रीति पाठक का कहा जा रहा है जातिगत समीकरण के हिसाब से फिट मत बैठना और ब्राह्मण है, राधा सिंह आदिवासी। और दूसरा, राधा सिंह को पार्टी ने इसलिए नवाजा कि उन्होंने पूरे विंध्य क्षेत्र में, जैसा कि कहा जा रहा है, कि सबसे ज़्यादा वोटों से विधानसभा चुनाव जीता है, करीब 60,000 वोटों से वो चुनाव जीती। इस बात का अवार्ड पार्टी ने उनको दे दिया, इतनी बड़ी जीत का। राधा सिंह को मंत्री बना दिया गया। तो महिला चेहरों में से या तो राधा सिंह या रीति पाठक, इस वजह से राधा सिंह को मंत्री बनाया गया। देखना होगा कि पार्टी रीति पाठक के लिए क्या संभावनाएं तलाशती है। आप देखते रहें एमपी तक।